अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूँ, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। और जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या क्या उस समय हुआ। उस समय भी प्रश्न उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एकदम से कैसे और कहां से आई। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम को सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई नेविल रॉय सिंघम को, चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ, ऐसा किसने कहा, जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते, उन्होंने ही पुष्टि की है, पुष्टि उस बात की कि जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट है, 1, 2 तीसरा, ये खुलकर उनके साथ थे, ये चौथा। और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा, तो ये एक और साथ में है। फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती, वो भी साथ में आ गई, बड़े बड़े पत्रकारों से लेके बाकी सबके नाम। और ये कहते थे कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मैं इस पे भी आऊंगा। मित्रों, ये जो इसकी फंडिंग है उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेविल रॉय सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए, और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए, भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से, और एक झूठा प्रोपेगेंडा, ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं, और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। अब ये जो न्यूज क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये भी एक आरोपी है। किस केस में, एल्गार परिषद के मॉइस्ट लिंक में जो भीमा कोरेगांव केस है, उसमें अभी तक जेल में ये है, हाउस अंडर हाउस अरेस्ट है, यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। और यही नहीं, न्यूज क्लिक को
शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए, और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया, आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर ये सवाल खड़ा करते हैं। जब भारत इसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये चीनी गंध की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है तो दिखाता है कि ये फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज क्लिक को, और चाइना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सहयोग समर्थन करने में, और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया, और इनके समय तो CBI और ED पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ED कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है, और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले, जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। अडवाणी जी ने एक बार बहुत पहले पार्लियामेंट में कहा था कि जब देश के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसमें हम सबको इकट्ठे होकर आना चाहिए, और उन्होंने तो यह भी कहा था कि किस तरह से कौरव और पांडव भी एकजुट हो गए थे जब तीसरा कोई सामने आकर खड़ा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया, और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला, सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए, तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया, और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए, वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच में। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था, ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला, जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया, लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। ये इससे पता चलता है कि जो 2008 में इनको एग्रीमेंट हो गया था उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को, और ये राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पेमेंट की गई 2005-07 के बीच में, ये किस लिए की गई? और ये उस समय की गई जब सोनिया गांधी जी UPA की, और वही UPA सरकार जिसके ऊपर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी है, वो नैरेटिव के लड़ने के लिए क्या इनको चाइना के लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा, या चाइना के समर्थक ऐसी एजेंसियों का सहयोग लेना पड़ेगा, जो एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाते हैं उनका सहयोग लेना पड़ेगा? और ये नेशनल NAC की जो चेयरपर्सन थी, जो UPA में कहूंगा उस समय, सोनिया गांधी जी, तो क्या ये पैसा और ये पार्टी उस समय से ही इस काम में लगी है? और ये एग्रीमेंट भी साइन किसी और ने नहीं किया, चाइना के वाइस प्रेसिडेंट उस समय के, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, CPC पॉलिट ब्यूरो के, श्री जिनपिंग, और उनके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में हुआ।
आखिरकार इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? ये 2017 में भी देखने को मिला कि राहुल गांधी जी देश के साथ तो खड़े नहीं हुए, लेकिन उस समय उनके अधिकारियों के साथ रहे। इसका अगला उदाहरण आपको देखने को मिलता है जब कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में मार्च 2023 में राहुल गांधी जी ने बड़ी बढ़ा चढ़ाकर चाइना की प्रेस भी की, फोर्स ऑफ नेचर कहा, एस्पायरिंग सुपर पावर कहा, भारत की तो बढ़ाई नहीं कर पाए, भारत का अपमान ही करते रहे और डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अंडर अटैक कहते रहे, लेकिन चाइना का समर्थन करते रहे। और ये जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे गुजरने वाली वन बेल्ट वन रोड, इसको लेकर भी, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर उनके जिस तरह से वो गुणगान करते रहे, ये अपने आप में दिखाता है कि ये एक ही गर्भ नाल के तीनों हिस्सा हैं। कांग्रेस, चीन और न्यूज़ क्लिक क्यों ना हो, ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिला। और एक और कड़ी इसमें अगले उनके दौरे पर जुड़ जाती है जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, जिनके ऊपर आप देखेंगे राहुल गांधी जी के अमेरिका दौरे में साथ साथ रहे, सहयोगी रहे, आयोजन में रहे, और इनके खिलाफ त्रिपुरा सरकार ने मुकदमा भी किया कि जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाने का काम किया गया। और ये आईएमसी वही है जो न्यूज़ क्लिक के समर्थन में उस समय भी आए थे। चोर चोर मुसेरे भाई कहाँ कहाँ इकट्ठे होते हैं, ये आप सबके सामने नजर आया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हों, प्रेस गिल्ड से हों, या कोई अपने अवार्ड वापसी गैंग हो, ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं समय समय पर एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन को लेकर, उस एजेंडा को लेकर, और न्यूज़ क्लिक भी उसमें एक कैसी अहम भूमिका निभा रही थी। और ये कांग्रेस बैक्ड, या फिर मैं कहूँ जो कम्युनिस्ट पार्टी बैक्ड भी, जो पैसे उनको अलग अलग रूट से आए हैं न्यूज़ क्लिक को या बाकी ऐसी कंपनियों को, जो पेड मीडिया हाउसेज जो झूठा नैरेटिव खड़ा करती हैं और झूठी खबर फैलाने में ये शातिर हैं, ये तो इतने शातिर हैं कि एक टेररिस्ट को भी एक एक्टिविस्ट बना देते हैं, ये टेररिस्ट को भी एक्टिविस्ट बना देते हैं। और ये न्यूज़ क्लिक जो चलाई जाती किसी और के द्वारा नहीं, पुरकास्था द्वारा चलाई जाती है, जो पीपी के न्यूज़ क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड है, इसको पैसा भी किस किस से प्राप्त हुआ वो अगर आप मनी ट्रेल भी देखेंगे जो सामने नज़र आता है, तो स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये जो नेविल रॉय सिंघम है, इन्होंने ही यहाँ पर 27,51,00,000 रुपया न्यूज़ क्लिक में दिया, जो आगे जाकर इसमें से गौतम नवलखा को भी 20,53,000 रुपये गए हैं। और एक बप्पादित्य सिन्हा जो आईटी सेल मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, 82,00,000 रुपया उनको भी गया है। तो कम्युनिस्ट भी कैसे कांग्रेस से पीछे रहेंगे, सब ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है। तो न्यूज़ क्लिक के पीछे खेल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी जो हमारी हिंदुस्तान की है, उनका सबका ये खेल इसमें दिखता है कि कैसे भारत विरोधी एजेंडा चलाना है और कैसे एक के बाद दूसरा पैसा इनको दिया गया। और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट को इसमें से पैसा गया, मैं उसके नाम लेने में नहीं जाऊंगा, वो इतने बड़े भी नहीं जिनको इतना बड़ा बना दिया गया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये शुरू तो की गई थी चाइना का नैरेटिव खड़ा करने के लिए दुनिया भर के कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसको साथ में ले लिया भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है और कुछ दल इनके समर्थन में न्यूज़ क्लिक के इतना गिर गए थे कि वो सत्ता पाने के लिए इतना गिर जाएंगे कि न्यूज़ क्लिक के समर्थन में आके पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई थी?